हम सलामती और आफियत के लिए जो मुखलिसाना जिद्दोजहद की गई है उसमें आपको भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। तनाव की फ़जा में जज्बात को काबू में रखना और जोश पर होश का ग़ालिब आना नहायत खुशाइंद है। इस माहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी, मगर अंग्रेज़ी का मकूला है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। इसलिए आप अमली नताइज देखेंगे। हमने मुल्क की आफियत व सलामती और अमन के मफाद में इसमें मुसालहत कार का फ़र्ज़ अदा किया। मेरे साथ कराची से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद बशीर फारूक कादरी साहब भी तशरीफ़ लाए और हमने 12-13 घंटे मुसलसल नॉन स्टॉप ये काविश की, मेहनत की, और जिसके नतीजे में हम एक अच्छे इख्तिताम को हासिल करने में कामयाब हुए। हमने मुल्क की आफियत व सलामती और अमन के मफाद में इसमें मुसालहत कार का फ़र्ज़ अदा किया। अल्लाह ताला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम के तुफैल मुल्क को इसके बेहतर समरात नसीब फरमाए। इस मुआहदे के नतीजे में एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है कि जो इसकी निगरानी करेगी। वज़ीरे ममलकत बराए पार्लिमानी उमूर जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहिब इसके सरबराह होंगे। जनाब राजा बशारत साहिब वज़ीरे क़ानून पंजाब, सेक्रेटरी वज़ारते दाखिला हुकूमते पाकिस्तान और होम सेक्रेटरी सूबे पंजाब बलिहाज़े ओहदा इस कमेटी के रुकन होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी और जनाब इंजीनियर हफीज़ुल्ला अलवी इस कमेटी के रुकन होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आज ही से फंक्शनल हो जाएगी और फ़ाल हो जाएगी। और ये मुआहदा उस तरह का नहीं है कि दोपहर को दस्तखत किए जाएं और शाम को टीवी पर कहा जाए कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अल्लाह के कानून से बढ़कर भी दुनिया में कोई कानून है कि अल्लाह फरमाए कि वह औफू बिल अहदे इन्नल अहद काना मसूला, अहद को वफा करो, बेशक अल्लाह की अदालत में अहद के बारे में पूछा जाएगा। मैं अहले सुन्नत व जमात पाकिस्तान के मुल्क भर में और बैरून मुल्क मुल्क लोग जो राबते में हैं और इसके बारे में मुतफक्किर थे उन सबको यकीन दिलाता हूँ, तमाम मुसलमानों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इससे खैर बरामद होगी। इसी तरह मैं बाज़ दीनी सियासी जमातों ने उनके सरबराहान ने मुझे टेलीफ़ोन किया और कहा कि आप जब और जहाँ कहेंगे मुनसिफाना मकसद के लिए हम आपके शाना मशाना खड़े होंगे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत की सफ़ों में जिन्होंने माकूलियत का मुजाहरा किया और जिन्होंने ताकत के इस्तेमाल से एतराज़ करने का मशवरा दिया और हिजब इख्तलाफ में जिन्होंने या हुकूमत के इत्तेहादियों में जिन्होंने ताकत के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया, मैं तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मैदान सहाफ़त के तजिया कार हों, कालम निगार हों, दीगर हजरात हों,
जिन्होंने माकूलियत का मशवरा दिया, मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन सब हजरात की ताईद और कोशिश से ये माहौल पैदा हुआ। मैं मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि एक दो दिन अगर आपकी दुकान पे मंदी हो जाए तो मुल्क व मिल्लत की खातिर, इस प्यारे पाकिस्तान की खातिर उसकी कुर्बानी दे दीजिएगा, और मनफी खोद कुरैद में पढ़ने की बजाय मुस्बत पहलुओं को सामने लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस पाकिस्तान की सलामती, इसका अमन, इसकी आफियत और इसमें इंसानी जानों का, अमलाक का, आबरू का तहफ्फुज जिस तरह हुकूमत की जिम्मेदारी है, मेरी भी है, आपकी भी है, हर एक की है। और जो जितना इख्तियार और इख्तदार रखता है उसकी सबसे ज़्यादा है। हर एक को मालूम है कि हुकूमत के पास ताकत भी होती है, इदारे भी होते हैं। इसलिए जो लोग बार बार ये याद दिलाना चाहते हैं, तो क्या वो लोगों को अहमक समझते हैं कि उनको इतनी बात भी नहीं मालूम कि हुकूमत के पास ताकत होती है? लेकिन पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जो गोलियां और असलहा बनता है, वो अपनी कौम पर चलाने के लिए नहीं, वो दाखली और खारजी दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनता है। किसी भी हुकूमत के लिए ताकत का इस्तेमाल अपने आवाम के खिलाफ कोई बायस इफ्तिखार नहीं है। इसको हमेशा और हमेशा ज़ीरो ऑप्शन पर रखना चाहिए और हमेशा मुकालमा और मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। और आप जानते हैं कि अगर 90 डिग्री में खड़े हो जाएं दोनों तो मसले हल नहीं होते। मुल्क की खातिर, आफियत की खातिर, सलामती की खातिर थोड़ा बहुत हर फरीक को ईशार से काम लेना पड़ता है। अच्छी और बात है कि वादा हो गया है, लेकिन इससे पहले भी काफी सारे वादे हुए हैं, तो क्या समझा जाए? सर ठहर गए, सुन लिया आपका सवाल। इससे पहले हम माजी को बुलाकर बैठे हैं और हमें यकीन दिलाया गया है और हम जिम्मेदारों की यकीन दहानी पर आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस पर लफ्सन व मानन इन लेटर एंड स्पिरिट अमल किया जाएगा। ठीक है, बस एक सेकंड, एक सेकंड ठहरिए भाईजान, एक मिनट ठहरिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए देखिए यार सुनिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं तमाम उलमा मशाइख का, अकाबरीन का जो तशरीफ फरमा है, दिल की अतः गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने फहमो फरासत से काम लेते हुए मुल्क को एक इम्तहान से बचाया है। जुमे के रोज मैं सुबह जब तेहरान से लौटा तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने तवील मशावरत और गुफ्तगू के बाद एक फैसला किया कि हमने मज़ाकरात को तरजीह देनी है और दानिश से, ताकत से नहीं, दानिश से इस मसले को हल करने को तरजीह देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी मैंडेट को ज़ेरनशीं करते हुए और जो कौम में एक इज़्तिराब की कैफियत थी, जो हमने और कौम ने टेलीविजन पर मासूम लोगों की जानों का ज़िया देखा, लोगों को जख्मी होते देखा, इमलाक का नुकसान देखा, हस्पतालों में एम्बुलेंस की रुकावट देखी, बच्चों को स्कूलों तक जाने की दिक्कतें देखी,
और जो मुल्क की मईशत को एक नुकसान का खदशा हुआ या हो सकता था अगर ये तवालत अख्तियार करता, उन सब चीजों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन का और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। मैं इस पर तमाम अहले सुन्नत के ज़ोमा और कायदीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं तहरीक लब्बैक की क़यादत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और अगर इजाज़त दीजिए, जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा शामिल किया, मैं अपने फ़राइज़ में इसको अपना फ़र्ज़ समझता हूं कि वो अगर यहां तशरीफ़ फरमा नहीं भी हैं तो उनका नाम का जिक्र कर दिया जाए। मुफ्ती मुनीर रहमान साहब तो तशरीफ़ फरमा हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। जनाबे मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब तशरीफ फरमा हैं, कराची से तशरीफ लाए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जनाबे सरवत इजाज कादरी साहब, जनाबे साहिबजादा हामिद रजा साहब, जनाबे पीर अब्दुल खालिक साहब, जनाबे डॉक्टर अब्दुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब, जनाबे साहिबजादा हामिद सईद काजमी साहब, जनाबे पीर मोहम्मद अमीन साहब, जनाबे ख्वाजा गुलाम कुतुब फरीद साहब, जनाब पीर निज़ाम सियालवी साहब, जनाबे साहिबजादा हाफिज हामिद रजा साहब, जनाबे मुफ्ती वजीर कादिर साहब, मियां जलील अहमद शकपुरी साहब, जनाबे सैयद अली रजा बुखारी साहब, जनाबे मखदूम अब्बास बंगाली साहब, जनाबे साहिबजादा हुसैन रजा साहब, जनाबे पीर हबीब इरफानी साहब सुंदर शरीफ वाले, जनाबे ज़िया नूर शाह साहब और पीर कासिम सियालवी साहब और जनाबे साहिबजादा सुल्तान अहमद अली साहब, जिन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की और अपना असर व रसूख और अपनी मशावरत और रहनुमाई से हमें मुस्तफीद किया। इसी उनकी हिदायत, वज़ीर आज़म की हिदायत पर और सब साहिबान की फहम व फरासत को सामने बरोएकार लाते हुए और मुल्क व मिल्लत के मफाद को सामने रखते हुए, जानते हुए कि इंतशार में पाकिस्तान का फायदा नहीं है, उन कुवतों को फायदा हो सकता है जो मुल्क में अफरा तफरी देखना चाहती हैं, वो कुवतें जो पाकिस्तान को मुस्तहकम और मुत्तहिद देखना चाहती हैं, यकीनन वो मुतफक्किर हैं। अल्लाह ने हमें उसमें सुरखरू किया है और ये बात पाया तकमील को पहुंची है। ये हम पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं और इन सब कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं, और इस वक्त मामलात को यहीं हम समेटेंगे और कोई सवाल जवाब इस वक्त नहीं होगा। थैंक यू। नो क्वेश्चन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली और मुफ्ती मुनीबुर रहमान दीगर अराकीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन इंतहाई खबर, अहम खबर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई है कि हुकूमत के साथ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का मुआहिदा तय पा चुका है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने यह ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए एक कमेटी बनाई और इस कमेटी को बाइख्तियार बनाया गया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस मुआहदे के खदोखाल भी सामने आ जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तमाम उलमा इकराम का शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद, मैं हूँ अयाज असलम। मैं हूँ अज़हर इकबाल बंगश।
स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन गहरे देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं, जिनकी जड़ें मुश्तरका अकीदे, तारीख और बाहमी ताउन से जुड़ी हुई हैं। सऊदी जरीदे अल रियाज को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर हमेशा साबित कदम रहे हैं। तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी जरीदे अल रियाज को इंटरव्यू में कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि सात दहाइयों पर मुहित पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बाहमी तआवुन को मजीद वसअत देने और मुख्तलिफ शोबों खसूसन तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी का फरोग चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया दौरे सऊदी अरब का हवाला देते हुए कहा कि सऊदी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद खुशाइंद रहा। इस फोरम के जरिए दो तरफा तिजारत, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के शोबों में नई राहें तलाश करने का मौका मिला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये फोरम दोनों मुल्कों के निजी और कारपोरेट सेक्टर को करीब लाने के मौके फराहम करेगा।